Assalamualaikum. I'm Rayyan Big. I'm a graphic designer. आज से हमारा शुरू हो जाएगा XD projects और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जरूर projects पसंद आएंगे और आज हम साइन अप और लॉगिन पेज बनाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो जरूर पसंद आएगी और ये सॉफ्टवेयर भी जरूर पसंद आएगा और अपने कमेंट से जरूर आगाह करते रहें ताकि मैं अपना काम बेहतर से बेहतरीन कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हाउ टू डिजाइन लॉगिन पेज एंड साइन अप की फाइल ओपन कर रहा हूँ। अब जो ओपन हो रही है, अब जो ओपन हो गई है, हाउ टू डिजाइन साइन अप एंड लॉगिन पेज इन XD। ये देखिए मैंने बनाया है, ये देख रहे हैं आप। अब बस हम सिंपली क्या करेंगे, मैं जाऊंगा तीन यहाँ पे आ रहेगा तीन डॉट, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर न्यू पे दबाएंगे। यहाँ से आप आईफोन X5 11 Pro है। अब यहाँ से भी साइज बदल सकते हैं, आईपैड का भी बदल सकते हैं, शायद वेब का भी बदल आप सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लेना आईफोन का। अब ये मैंने ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने दबाया, अब जो हमारे पास आ गया है ये देख रहे हैं आप। सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, इधर मैं लिख दूंगा साइन अप। अब यहाँ पे हम लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास इतने मुख्तलिफ टूल्स मिलते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, सिलेक्शन, रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन, लाइन टूल, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, आर्टबोर्ड टूल और जूम टूल। लेकिन अभी हमें फिलहाल लेना है टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की है टी। अब बस हम इधर लिख देंगे साइन अप। साइन अप लिखने के बाद इधर हम लिख देते हैं साइन इन। साइन इन लिखने के बाद अब आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। अब बस हमें इन सब कुछ करने के बाद साइन अप, अब इन सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे दबाता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस तरफ लगा देता हूँ। अब इस तरफ लगाने के बाद अब बस हम सिंपली क्या करेंगे, हम टी दबाएंगे, हमारे पास आ जाएगा। आपको बता देता हूँ मैं इसकी शॉर्टकट की क्या है, वी। इसकी भी वी है। इस रेक्टेंगल की आपको मैं बता देता हूँ पी है। जैसे हम पी को पी की है पेन टूल की, और रेक्टेंगल की है आर, और इसकी आर लेफ्ट की है ई, और फिर आपकी पॉलीगॉन की है वाई, और लाइन की है एल, और बस। और जब आपको इसको, आपको बताता हूँ यहाँ से हमारी लेयर्स होती हैं, यहाँ से हम नीचे कर सकते हैं यहाँ पे। अब जब आप राइट क्लिक करेंगे एड करेक्टर स्टाइल टू एसेस, इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल थी, इसको दबाएंगे यहाँ पे इसका फोन नजर आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा क्या है वो नजर आ जाएगा। और जब आप यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कलर कौन सा यूज किया ये भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने डुप्लीकेट किया फोन में, कैसे डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैंने, आप ऐसे कर सकते हैं। और इसका कलर जैसे कि मैं दे देता हूँ रेड, अब रेड मुझे नहीं लेना है, यहाँ पे दबाए ब्लैक हो जाएगा। और फोन यहाँ से आप कर सकते हैं दब दबाएंगे, और यहाँ से आप जब इसकी डुप्लीकेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा। अब हम बस क्या करेंगे, टी दबाएंगे, यहाँ पे हम ले देते हैं ईमेल है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लैक कलर। यहाँ से आप कलर जब यहाँ पे दबाएंगे यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट, यहाँ पे दबाएंगे ये हमारा व्हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, और जैसे कि हमने इसका ले दिया रेड कलर, फिर जब आप यहाँ पे जाएंगे जब आईडोबल टू रेड कलर, ये हमारा रेड कलर हो जाएगा बिल्कुल इस तरह। अब मैं आपको बताता हूँ फोन कहाँ से, यहाँ से हमारा फोन बदल सकता है टेक्स्ट का, यहाँ से आपका फैमिली होती है फोन की, जैसे कि ये फैमिली है तो ये आ रही है, ये होता है टी, इसकी साइज के लिए होता है, और ये आगे बढ़ाने के लिए होता है। जैसे कि थोड़ा गैप, यहाँ एम में गैप देना है, फिर आई एल में देने के लिए होता है, ये ऊपर और नीचे गैप देने के लिए होता है, और ये हमारा होता है। अभी जब हम सेंटर दबाएंगे, सेंटर यहाँ पे ये हो जाएगा, इसके लिए ये होता है, ये जब बड़ा यहाँ से सब कुछ बड़ा, छोटा सब कुछ होता, एक बड़ा टेक्स्ट सब कुछ होता, बस ये देखा छोटा, ये देखा, ये देखें ये लाइन भी आ सकती है, ये आप कर सकते हैं। ओपेसिटी यहाँ से कम करते हैं, यहाँ से मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कर दिया है, यहाँ से अब बस मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बस। अब यहाँ पे करने के बाद जब आप यहाँ से कॉमा पे थोड़ा आ गया लाइन डाल दें,
एक लाइन डालने के बाद फिर इसको हम इस तरह थोड़ी सी और बड़ी लाइन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया शिफ्ट और बस। अब जो हमारा हो गया इतना, अब यहाँ पे मैंने इसकी डुप्लीकेट की थोड़ा सा इस तरफ बस। फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ पासवर्ड पी, थोड़ी इधर मैं क्या इधर मैं दे देता हूँ पासवर्ड पी ए डबल एस डब्ल्यू आर डी। अब यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड भी आ गया है, ये देख रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बस नीचे करा बस। अब जो हमारा हो गया है ये देख रहे हैं, यहाँ से आप लाइन भी ला सकते हैं, ऐसे लगा दी आपने लाइन, और जब आप यहाँ पे दबाएंगे यहाँ से भी आप लाइन इधर लगा सकते हैं। ये देखा हमने, ये बहुत ईजी है। बस हम सिंपली क्या करेंगे, इधर से मैंने इसको थोड़ा सा बस। अब इनको बढ़ाने के बाद थोड़ा सा इस तरफ बस। अब पासवर्ड की स्पेलिंग गलत है तो हम ठीक कर देते हैं, ए डबल एच डब्ल्यू आर डी। अभी हम पी ए, अब ठीक है हमारा। अब बस हम ये सब कुछ करने के बाद अब बस हम सिंपली क्या करेंगे आपको बताता हूँ। अब बस सिंपली हम ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है तो हम रेक्टेंगल लेते हैं, फिर हम बना देते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद इधर हम बना देता हूँ मैंने रेक्टेंगल, मैंने थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, फिर घुमा देता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा बस, थोड़ा सा इस तरफ बस। अब यहाँ पे हम इसका कलर दे देंगे रेड। रेड देने के बाद अब बस हम चिमटी क्या करेंगे, जो शाइन अप है इसको मैंने डुप्लीकेट किया, थोड़ा सा छोटा किया, फिर छोटा करने के बाद फिर मैं बस क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, फिर इधर क्लिक करें इस पर, अब इसको इस तरफ में ले आया, राइट क्लिक करें, अरेंज करें फ्रंट। अब ये हमारा फ्रंट हो गया है, यहाँ पे व्हाइट कलर थोड़ा सा इस तरफ ऊपर बस। अब इन सब कुछ करने के बाद अब बस हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से मैंने बस सिंपली इन सब कुछ करने के बाद मैंने इसकी बस डुप्लीकेट की। डुप्लीकेट करने के बाद इधर मैं लिख देता हूँ लॉगिन, लॉगिन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉगिन लिख दिया है। फिर इसको थोड़ा सा इस तरफ बस। अब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे भी हम लिख देंगे लॉगिन। लॉगिन लिखने के बाद हम बस अब इसको नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर इस तरफ बस। अब इस तरफ करने के बाद हम बस हम सिंपली क्या करते हैं, इधर हम लिख देते हैं साइन इन। अब इन सब कुछ करने के बाद अब बस हम सिंपली क्या करते हैं आपको बताता हूँ। अब सिंपली इनको करने के बाद थोड़ा सा सेंटर बस। अब ऊपर बस यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर नेम। यूजर नेम लिखने के बाद मैंने बस सेलेक्ट किया इसको इस तरफ, यहाँ पे पासवर्ड लिख के रहने दें। थोड़ी सी इसकी लाइन को हम थोड़ा सा हटा देते हैं, हटाएं बस। अब बस मिला दें। अब मैं आपको बताता हूँ बटन कैसे बनती है, पहले इसका कलर बदल देते हैं ब्लैक। अब बटन कैसे बनती है आपको बताता हूँ, बस हम सिंपली इधर पहले सबसे पहले इधर लिख देंगे लॉग इन एंटर। अब जहां से भी लाइन ला सकते हैं, यहाँ से लेकिन नहीं ला सकते। अब बस हम बटन बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप पे जाएंगे, और जब हम यहाँ पे जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद आपको बताता हूँ अब बस क्या करना है। यहाँ से हम दे देते हैं 0.8 एंटर। अब जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखेंगे अभी आप, ये हमारा हुआ, ये देखें, ये देखा आपने। आप कर सकते हैं, आप चाहे तो बैक बटन बना के इसको पीछे भी जा सकते हैं। मैं आपको बस बता देता हूँ कैसे करना है। पेन टूल लें, इधर से बस मैंने ऐसी एक लाइन खींच दी है बैक की, और जब आप प्रॉपर टाइप पे जाएंगे यहाँ से मिलाएंगे, जब यहाँ पर पीछे ये पीछे हो जाएगा। ये देखा आपने, ये बहुत ईजी है। आप कर सकते हैं जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं। इसकी देना जरूर है 03 पे भी आप कर सकते हैं, जब टैप करेंगे जब भी ये हो सकता है, लेकिन इसको इजी टॉप पे रखना है। इधर इसका एनिमेशन है डिसॉल्व, और फिर एनिमेशन है लॉग इन, टाइप है ट्रांसिशन, और फिर ट्राइगर है हमारा टैप। ड्रैग पे ये हमारा नहीं होगा। ड्रैग एक वेबसाइट के लिए यूज होता है, लेकिन मोबाइल ऐप के लिए भी यूज होता है।
ये देखा हमने, ये हमारा बन चुका है हाउ टू डिजाइन साइन अप पेज एंड लॉग इन पेज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जब तक लिए मेरी तरफ से गुड बाय।